की नई पहचान। सिंह समेत चार लोगों की हत्या के चश्मदीद गवाह आदित्य राज का बयान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत में शनिवार को भी दर्ज हुआ। शुक्रवार को आदित्य का परीक्षण और प्रति परीक्षण शेष रह गया था। आदित्य के अलावे आज न्यायालय में दो अन्य गवाहों का भी परीक्षण और प्रति परीक्षण हुआ। आज जो मेन आई विटनेस थे आदित्य सिंह, राकेश सिंह, आज उन लोगों की गवाही थी और 21 दिन 2017 का जो घटना था, जो वो लोग अपने आँख से देखे थे, वो पूरी तरह जो सच था पूरा कोर्ट के सामने रख दिए और हमको विश्वास है कि अब इस केस में जल्दी फैसला होगा। कुछ क्रॉस वगैरह भी किया गया था, वो सब क्रॉस में कहीं कुछ था नहीं। जो सच था वो तो सच आ ही गया, क्रॉस करना वो लोग का काम है। जो सच था वो लोग सच रख दिया, जज साहब के पास एडमिट किया लो, बहुत अच्छा गवाही दिया। क्या आज कोर्ट में सुनवाई हुई? आज जो है कल कांड के कथित चश्मदीद व जख्मी गवाह अजित राज का प्रति परीक्षण बाकी रह गया था। आज उसकी प्रति परीक्षण कंप्लीट हुई। उसके अलावा अभियोजन ने हत्याकांड में दो अन्य साक्षियों को भी आज प्रस्तुत किया था माननीय न्यायालय में। उन दोनों का भी परीक्षण व प्रति परीक्षण कर किया गया। तो आज तक कुल 8 अभियोजन के साक्षियों का गवाही इस मुकदमे में हो चुका है। चश्मदीद गवाह कौन था जो आज क्रॉस हुआ? आज जो चश्मदीद जो कई दिन को अभियोजन ने लाया था, जिनका परीक्षण शेष रह गया था, आदित्य राज, उसका आज कंप्लीट हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके अलावे एक मोस्ट नेचुरल विटनेस, जो घटना स्थल पर उनका होना स्वाभाविक था, वो पप्पू यादव नामक व्यक्ति था, जो वहाँ पे विगत 6-7 सालों से तरबूज की दुकान चलाता था। उस नेचुरल वीकनेस ने आज जो है सख्त न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर दिया। उसके अलावा एक पॉकेट वीकनेस था, राकेश कुमार नामक व्यक्ति, जो नीरज सिंह की हत्या के बाद उनके हुए हमलाकांड की सीबीआई जांच के लिए एक अभियान चलाते थे, बहुत करीबी व्यक्ति थे रघुकुल के। एक मामा नामक व्यक्ति जो अभी धनबाद जेल में किसी हत्याकांड में बंद है, उनके वो चेले हैं, उनके अनुसार वो उनके चेले हैं, वो मामा उनका बॉस है। वो मामा के करीबी होने के नाते अलावे वो रघुकुल से बहुत करीब थे। डिप्टी मेयर, उनकी धर्मपत्नी की गाड़ी में उनका फोटोग्राफ शेयर किया गया है फेसबुक पोस्ट में। आज उन चीज़ों को हमने उस विटनेस को कन्फर्म कराया, जिससे ये साबित हुआ कि ये व्यक्ति बहुत करीबी व्यक्ति है रघुकुल का। इसके अलावा उसके घटनास्थल पर होने पर आज संदेहोत्पन्न किया गया। अगली तिथि मंडे 18 तारीख को फिर से गवाह चश्मदीद, जिसको आपने चश्मदीद प्रस्तुत किया आदित्य राज को। ये आदित्य राज जो है पुलिस का खुद का अभियोजन का डॉक्यूमेंट के अनुसार वो घटनास्थल पर नहीं था। घटना के दिन उसका लोकेशन घटनास्थल स्टील गेट पर नहीं था। पुलिस के लोकेशन के अनुसार पुलिस का अभियोजन खुद ला रहा है। इसके अलावे हत्याकांड जैसे संगीन नीरज सिंह जैसे हत्या के संगीन मामले में